हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो हम थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चन देख रहे थे, थ्योरी ऑफ मशीन के पेपर से। ठीक है, तो हमारा जो पेपर था वो ये वाला है। ठीक है, तो इसके हमने कौन कौन से क्वेश्चन देख लिए थे। एक क्वेश्चन नंबर 5 का बी देख लिया था और एक क्वेश्चन नंबर हमने 3rd देख लिया था। ठीक है, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एक कैम है जिसमें एक सर्कुलर डिस्क है, 75 mm के डायमीटर दिया हुआ है और उसका सेंटर डिस्प्लेस्ड है 25 mm फ्रॉम द कैम शाफ्ट एक्सिस से। ठीक है, अब फॉलोअर की फ्लैट सरफेस है और जो फॉलोअर की एक्सिस है वो वर्टिकल है। ठीक है, मास ऑफ फॉलोअर हमें दिया हुआ है और एंड इज प्रेस्ड डाउनवर्ड बाई अ स्प्रिंग विच हैज अ स्टिफनेस ऑफ 3.5 न्यूटन पर mm। ठीक है, इन द लोएस्ट पोजिशन द स्प्रिंग फोर्स इज 45 न्यूटन। हमें एक एक्सिलरेशन की एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है। ठीक है, और कैम शाफ्ट की स्पीड को निकालना है जब फॉलोअर लिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक रिजिड इसेंट्रिक कैम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देख लेते हैं कि रिजिड इसेंट्रिक कैम्स होते क्या हैं। ठीक है, तो ये एक फिगर आप देख सकते हो, ये एक डिस्प्लेस्ड इसेंट्रिक कैम है। ठीक है, तो इसमें हमें बेसिकली क्या क्या निकालना पड़ता है। कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना पड़ता है, स्प्रिंग फोर्स निकालना पड़ता है, कैम शाफ्ट टॉर्क निकालना पड़ता है और इसके अजम्पशंस क्या होते हैं कि कैम जो है वो एक रिजिड है। ठीक है, और रनिंग एट लो स्पीड है। ठीक है, अगर हाई स्पीड पे रनिंग होगी तो हम क्या कंसीडर करेंगे, इलास्टिक कैम को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। एनालिसिस ऑफ रिजिड इसेंट्रिक कैम का मतलब क्या है, यहाँ पे एनालिसिस का मतलब क्या है। एनालिसिस मीन्स द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स, कैम शाफ्ट, टॉर्क। ठीक है, तो इन सब का डिटर्मिनेशन ही बेसिकली क्या कहलाता है, एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये एक जो फिगर आप देख रहे हो, ठीक है, वो एक सर्कुलर डिस्क कैम है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये जो कैम है इसमें बेसिकली कैम क्या है, ये हमारा कैम कैसा है, ये एक सर्कुलर डिस्क कैम है और ये एक फॉलोअर है, ये कैसा है, फ्लैट फ्लेस फॉलोअर है और इसमें ये क्या लगी हुई है, ये इसमें स्प्रिंग्स लगी हुई हैं। ठीक है, और इसमें एक कैम, ये शाफ्ट है, SHAFT। ठीक है, एक कैम शाफ्ट होल ड्रिल्ड ऑफ सेंटर, तो ये कौन सा है, ये जो होल है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कैम शाफ्ट होल विच इज ड्रिल्ड ऑफ सेंटर। ठीक है, समझ में आ गया। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज़ करेंगे। एक्चुअली इसका जो फॉर्मूला होता है स्पीड निकालने का, वो अभी आप लोग आगे देखोगे। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 2 SE+P डिवाइडेड बाई ME। ठीक है, डिवाइडेड बाई ME। तो इसमें ये जो अलग अलग टर्म्स हैं, हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हैं स्पीड, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें S क्या है, S है स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, जो स्प्रिंग हम यूज कर रहे हैं उसकी स्टिफनेस है। ठीक है, एम क्या है, एम है यहाँ पे मास ऑफ द फॉलोअर। ठीक है, ये जो मास एम दिया हुआ है ये क्या है, मास ऑफ द फॉलोअर। और ई क्या है, ई जो है वो है इसेंट्रिसिटी। ठीक है, ई क्या दिया हुआ है, ई है इसेंट्रिसिटी। उसके अलावा ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कैम रोटेशन, ये जो कैम रोटेट होगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है। और पी क्या है, पी है प्री लोड इंक्लूडिंग द वेट ऑफ द फॉलोअर। ठीक है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब एक्स 0 है तब पी क्या है, प्री लोड। और प्री लोड में हमें क्या क्या इंक्लूड करना है, प्री लोड में हमें वेट ऑफ जो फॉलोअर है उसको भी इंक्लूड करना है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको प्री लोड पी डैश दिया हुआ है तो जो फाइनल पी हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, MG+P-। और एक्स क्या है, एक्स है मोशन ऑफ द फॉलोअर। ठीक है, इतना समझ में आ गया, टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। अब क्या होता है, सपोज हमारा डिस्क जो है, ये जो डिस्क है, ये जो हमारा डिस्क कैम है, ये रोटेट होती है, किससे रोटेट होती है, बाई एन एंगल थीटा, थीटा एंगल से रोटेट होती है। द मास एम इज डिस्प्लेस बाई ये डिस्टेंस एक्स, तो ये एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ई, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई माइनस ई कॉस थीटा। ठीक है, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा e माइनस e cos थीटा। ठीक है, ये हमारा जो आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, ये डिस्टेंस क्या है हमारी, e है। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये डिस्टेंस है हमारी x, तो ये x कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा ये वाली कंप्लीट डिस्टेंस। ठीक है, माइनस दिस डिस्टेंस जिससे ये डिस्प्लेस हुआ है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो हमारी ये जो रिजल्टिंग डिस्टेंस x आ जाएगी, ये टोटल डिस्टेंस में से हमारी जो न्यू डिस्टेंस पे ये मूव हुआ है वो हमारी जो डिफरेंस आ जाएगा वो हमें एक्स मिल जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे जो थीटा क्या है, थीटा है हमारा डिस्प्लेसमेंट जो किसके बराबर होता है, ओमेगा इंटू टी के। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जैसे हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू, जैसे हमारा स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और वैसे ही जब हमारा रोटेशनल मोशन होता है तो वहां पे हमारा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन टी। ठीक है, तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा, ओमेगा टी। ठीक है, तो इस वाले एक्सप्रेशन को हम एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, एक्स डॉट, ठीक है, ई जीरो हो जाएगा और ई ओमेगा साइन थीटा। ठीक है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, साइन, और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है तो यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका एक बार फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स डबल डॉट, तो हमारा कितना हो जाएगा, थीटा की जगह हम दोबारा से ओमेगा टी रख देंगे तो ये हो जाएगा एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू ई ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब जो इसके ऊपर फोर्सेज लग रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एक इनर्शिया फोर्स है एम एक्स डबल डॉट, स्प्रिंग फोर्स है, एक प्री लोड है, और फोर्स एक्सर्टेड बाई कैम। अब देखिए ये वाले जो फोर्स हैं ये डाउनवर्ड्स लगेंगे। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, प्री लोड डाउनवर्ड्स लगेगा, लेकिन फोर्स एक्सर्टेड बाई कैम जो है वो अपवर्ड लगेगा। बेसिकली क्या होगा, जब ये कैम रोटेट होगा ये कैम इसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगाएगा और जो फॉलोअर होगा वो इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी कितनी हो जाएगी, एम एक्स डबल डॉट, ठीक है, प्लस एस एक्स प्लस पी माइनस एफ इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको हम लोग और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम एक्स डबल डॉट, ठीक है, प्लस एस एक्स प्लस पी। ठीक है, अब जो हमारी एक्स की वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू ई माइनस ई कॉस थीटा। ठीक है, और हमारा जो एक्स डॉट है वो कितना है, एक्स डॉट है हमारा ई ओमेगा साइन थीटा। ठीक है, और एक्स डबल डॉट जो है हमारा वो कितना है, वो हो जाएगा ई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, एम ई ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, प्लस एस एक्स की जगह पे रख देंगे ई माइनस ई कॉस थीटा, ठीक है, प्लस पी। ठीक है, इस तरह से हम पुट कर देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, जो एक जैसे टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, एस ई प्लस पी, ठीक है, एस ई प्लस पी प्लस एम ओमेगा स्क्वायर माइनस एस ई कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ठीक है, ये हमारा फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि जो फोर्स है उसमें दो टर्म है, एक ये वाला कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, और एक कोसाइन का टर्म है। ठीक है, दो टर्म है हमारे पास, एक कांस्टेंट टर्म है और एक कोसाइन का टर्म है। ठीक है, तो अब ये जो फोर्स है इसको जब अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो इसका जैसे साइन का ग्राफ कितना आता है, साइन का ग्राफ सॉरी कॉस का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस तरह से मूवमेंट करता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसमें एक अगर इसका हम फोर्स वर्सेस थीटा को प्लॉट करेंगे, ठीक है, कोसाइन का, अगर ये सिर्फ कोसाइन का फंक्शन होता तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता। ठीक है, अगर ये सिर्फ, अगर सपोज आपके पास लिखा हो वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है, अगर आप सिर्फ इसको प्लॉट करेंगे तो इसका कर्व कुछ इस तरह से आएगा वाई और एक्स के बीच में, लेकिन अगर यहाँ पे कोई ये कॉन्स्टेंट भी ऐड कर दें, सपोज मैं टू प्लस कॉस एक्स ऐड लिखूँ, ठीक है, वाई इज इक्वल टू, तो जो कर्व होगा वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, कितने से शिफ्ट हो जाएगा, बाई वैल्यू ऑफ टू। ठीक है, तो सेम इस केस में भी ये कर्व शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट हो जाएगा बाई द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टेंट हमारा कितना दिया हुआ है, एस ई प्लस पी, ठीक है, एस ई प्लस पी, इससे हमारा कर्व शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और इसकी वैल्यू इस तरह से मूवमेंट होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो जहाँ पे ये कर्व क्रॉस करता है वो पॉइंट कितना होता है, वो पॉइंट होता है 90 डिग्री। क्यों 90 होता है, क्योंकि कॉस 90 क्या होता है हमारा, कॉस 90 होता है हमारा जीरो। ठीक है, और सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे मिलती है हमें, 180 डिग्री पे। ठीक, मिनिमम वैल्यू हमें कहाँ पे मिलती है, 180 डिग्री पे, ये हमारा पॉइंट जीरो है। ठीक है, तो यानी कि 180 डिग्री पे एट थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री देयर विल बी सम इम्पैक्ट बिटवीन द कैम एंड द फॉलोअर। ठीक है, एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देयर विल बी सम इम्पैक्ट बिटवीन द कैम, देयर विल बी सम इम्पैक्ट बिटवीन बिटवीन कैम एंड फॉलोअर। ठीक है, बिटवीन कैम एंड फॉलोअर। ठीक है, और
इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, जंप कहते हैं, इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, जंप, ठीक है। और इसकी वैल्यू और इस जंप की कंडीशन पे स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो थीटा है 180 कर देंगे और जो फोर्स है उसको जीरो कर देंगे, ठीक है। तो फोर्स जो हमारा है जीरो हो जाएगा, ठीक है, और फोर्स को हम लोग जीरो कर देंगे और थीटा को हमारा जो है 180 कर देंगे। तो इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट टू एस ई प्लस पी, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम ई, ठीक है। ये हमारा इस तरह से ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। अब हमारी इसी एंगुलर वेलोसिटी आ गई, अब हम अपने न्यूमेरिकल पे दोबारा से वापस चले चलते हैं, ठीक है, हमारा जो न्यूमेरिकल है। तो अब इस न्यूमेरिकल में हमें एक एक्सप्रेशन निकालना है, एक्सिलेशन ऑफ द फॉलोअर। तो एक्सिलेशन का एक्सप्रेशन हमने देखा था, क्या देखा था एक्सिलेशन का एक्सप्रेशन, एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू ई ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ई की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है, कितनी इसेंट्रिसिटी दी हुई है, 25 mm, ठीक है। तो ये इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25 ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एज द कैमशाफ्ट स्पीड इज इंक्रीज्ड, अ वैल्यू इज रीच्ड एट विच द फॉलोअर बिगिंस टू लिफ्ट फ्रॉम द कैम सरफेस, ठीक है। जैसे ही कैमशाफ्ट की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, एक वैल्यू आएगी जिसमें जो फॉलोअर होगा वो लिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम द कैम सरफेस से। तो वो स्पीड क्या होगी, वो स्पीड जब जब हमें, तो हमारा जो एक्सप्रेशन था फोर्स का, हम मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू क्या था हमारा, फोर्स इज इक्वल टू एस ई प्लस पी, ठीक है, प्लस एम ओमेगा स्क्वायर माइनस एस, ठीक है, ई कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब एक ऐसी स्पीड होगी जिसपे फॉलोअर लिफ्ट हो जाएगा, जब फॉलोअर लिफ्ट हो जाएगा, बेसिकली एफ क्या है, एफ क्या था हमारा, अगर आप ध्यान से देखें एफ क्या है हमारा, एफ बेसिकली क्या है, वो फोर्स है, ठीक है, जो एग्जर्ट हो रहा है कैम के द्वारा। एफ इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय कैम, एफ इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय कैम। और जब फॉलोअर लिफ्ट हो जाएगा, व्हेन फॉलोअर लिफ्ट फ्रॉम इट सरफेस, तब कैम, तब ये जो एफ है ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब कैम और फॉलोअर के बीच में कांटेक्ट ही नहीं होगा तो बेसिकली क्या होगा, जो कैम इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो जीरो हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमने, और ये पोजीशन कब आएगी, जब थीटा हमारा कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है, समझ में, ये बात समझ में आ गई आपको कि फॉलोअर जब लिफ्ट हो जाएगा तब एफ जो होगा वो जीरो हो जाएगा। और एफ क्या है, एफ इज इक्वल टू फोर्स एग्जर्टेड by cam, ठीक है, force exerted by cam, it becomes zero, force exerted by cam, it becomes zero when follower lift from its surface, ठीक है। और ये कौन सी कंडीशन पे होगा, जब थीटा 180 डिग्री होगा। तो इसको जीरो कर देंगे तो हमारा ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा हमारा, या हम ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा आ जाएगा हमारा अंडर रूट टू एस ई प्लस पी डिवाइडेड बाय एम ई, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, एस की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 2 × s कितना दिया हुआ है हमें, स्टिफनेस स्प्रिंग की कितनी दी हुई है, 3.5, ठीक है, इंटू E कितना दिया हुआ है हमें, E दिया हुआ है हमें 25, ठीक है, प्लस P क्या है, P में हमें प्री लोड भी लिखना है, प्री लोड कितना है 45, और वेट भी लिखना है, वेट कितना है इसका mg, m कितना है 2.3 × 9.81, ठीक है, डिवाइड बाय मास कितना है फॉलोअर का, मास है फॉलोअर का 2.3 इंटू ई, इसेंट्रिसिटी कितनी है, इसेंट्रिसिटी है इसकी 25, तो ये एमएम में है, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 25 × 10⁻³, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ओमेगा निकल के आ जाएगा, ठीक है, ओमेगा हमारा कितना आ जाएगा, 64.94, ठीक है, 64.94 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो कैमशाफ्ट, तो अब हमें कैमशाफ्ट स्पीड चाहिए, तो इस ओमेगा को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे 2πn/60 में, तो n बेसिकली कितना आ जाएगा हमारा, n आ जाएगा, अगर हमें ओमेगा पता है 64, इसको आप एक बार सॉल्व करके देख लीजिए,
ये आ जाएगा 620 आरपीएम, ठीक है 620 आरपीएम, ठीक है समझ में आ गया। तो ये हमने क्या किया, ये हमने जो जून 2022 का थ्योरी ऑफ मशीन का पेपर था उसका क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ठीक है। ये किसके एनालिसिस है, रिजिड इसेंट्रिक कैम, ठीक है रिजिड इसेंट्रिक कैम की एनालिसिस है, ठीक है ओके। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।